C7 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडा। संभागीय मुख्यालय सागर में उपनगरीय क्षेत्र के आनंद नगर में मिले तीनों शवों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया यही अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि पति पत्नी के साथ करीब 14 वर्षीय पुत्र को जहर देकर मारा गया है और घटना के बाद पूरे मामले पर शक की सुई मृतक के बड़े पुत्र की ओर घूम रही है। फिलहाल शवों के पोस्टमार्टम के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि तीनों की हत्या कैसे हुई है। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। शव मिले हैं बंद कमरे के अंदर, क्या है पूरा मामला? ये मकरोनिया आनंद नगर में ये राम गोपाल पटेल, जिनकी लगभग 45 साल आयु है, ये इनकी पत्नी भारती और एक इनके जो छोटा पुत्र है, इन तीनों के शव मिले हैं और घटना स्थल पे FSL और फिंगरप्रिंट्स इनसे निरीक्षण कराया गया है। अभी घटना का जो सही कारण है, मरने का सही कारण है, ये PM के बाद पता चलेगा, पर जो कमरे में स्मेल है और जो दो हल्का सा नीलापन है और शरीर पे कोई हथियार वगैरह के निशान नहीं है, तो ऐसा लगता है प्राइमो फेसी हो सकता है इनको कोई जहर दिया गया हो। और इनका जो बड़ा लड़का है वो घर से गायब है और घर में बाहर से और अंदर जिस कमरे में शव मिले हैं दोनों ही जगह ताले लगे हुए थे और ये एक नोट भी मिला है जो संभवतः बड़े लड़के की हस्तलिपि में है, जिसमें उसने लिखा है कि मैंने जो किया है उसकी सजा मौत है और मैं जा रहा हूँ, ऐसा करके वो नोट है। तो ये अब प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं इसके जो बड़ा लड़का है उसका हाथ है। फिर भी अभी इनका जब PM होगा कल, तो क्लियर होगा कि डेथ कैसे हुई है और बड़े लड़के और कुछ और एक दो लोगों का हमें अंदेशा है, इनको हम तलाश करेंगे तो ये क्लेरिफिकेशन हो पाएगा कि ये पूरा घटनाक्रम क्यों और कैसे घटित हुआ। तो जो शव मिले उनकी पहचान हो पाई है? हाँ, ये तीनों शवों की पहचान हो गई है और जो मैंने बताया कि रामगोपाल पटेल, भारती पटेल और उनका छोटा लड़का जिसकी आयु करीब 13-14 साल है, इन तीन लोगों के शव मिले हैं। बड़े लड़के पे जो शक जा रहा है उसका नाम? उसका नाम विकास पटेल है, करीब 19-20 साल उसकी आयु है। कितने दिन पुरानी है ये? PM में क्लियर हो जाता है कि बॉडी कितने दिन पुरानी, परंतु अड़ोस पड़ोस में जो रहने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि करीब 2 दिन से ये घर में ताला लगा हुआ था। ठीक है। मृतक रामगोपाल पटेल कैंट क्षेत्र में गार्ड का कार्य करता था और 1-2 दिन से इसका मोबाइल बंद आ रहा था। ये हमारे पास गार्ड में नौकरी करता है गनमैन की, और ये 22 तारीख को सुबह ड्यूटी करके आया है, 23 का रजिस्टर था इसका और 24 को नाइट ड्यूटी थी, तो 24 को नाइट ड्यूटी में नहीं पहुंचा, तो हमने वहां से अपना दूसरा गार्ड भेज दिया। 25 तारीख को शाम के करीब 6 बजे करीब हमारे जो साथ में और सोलह ईयर हैं उनको बताया, साहब आप थोड़ा पता करना कहाँ पर है, तो बोले हमारे पीछे रहते हैं, तो हमारे जो दूसरे साहब हैं सुधा दिलीप साहब वो आए तो उनका बेटा मिला, बेटे से बात हुई, उनकी बात हुई और मेरे को बात कराई, बोला कि पापा देवरी गए, तो मैंने बोला पापा को बोलना कि अंकल का नंबर है इसे बात कर लो। कितनी तारीख की बात है ये? 25 तारीख की बात है। 25 तारीख शाम को करीब कोई 7:30-8 घर में तीन लड़के थे वो लोग मोटरसाइकिल पे आए थे यहाँ। तो ये लोग कब से नहीं आ रहे थे काम पे? ये ड्यूटी पे है, 22 तारीख को ड्यूटी करके आए 2 बजे, फिर 2 बजे के बाद 23 तारीख उनको रेस्ट था, रेस्ट के बाद 24 नाइट ड्यूटी आना था लेकिन नहीं आए, फोन लगा रहा है स्विच ऑफ आ रहा है। 24 तारीख से फोन स्विच ऑफ है? हाँ, फोन स्विच ऑफ। हम लोग जैसे कम्युनिकेशन किया करते हैं ये अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की समिति द्वारा गनमैन लगे हुए हैं कैंट ऑफिस में। क्या नाम था? रामगोपाल पटेल, हवलदार रामगोपाल पटेल, एक्स हवलदार रामगोपाल पटेल। हम आपको यहाँ बता दें कि मकरोनिया के आनंद नगर स्थित पटेल परिवार के घर में 2 दिन से ताला लगा हुआ था और लगातार घर से बदबू आ रही थी और फिर सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो फिर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। साहिल होंडा में आपका स्वागत है। सागर शहर का सबसे बड़ा टू व्हीलर मोटरबाइक शोरूम आपकी सेवा में तत्पर।
एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ लें सुखद टेस्ट ड्राइव का आनंद। एक्सचेंज फैसिलिटी, ले आइए कोई भी पुरानी गाड़ी और ले जाइए न्यू ब्रांड होंडा, होंडा शाइन, होंडा क्लिक, होंडा एक्टिवा, होंडा एक्स ब्लेड। पेमेंट कैश या बैंक फाइनेंस सुविधा के लिए चुने मनचाहा बैंक। इंश्योरेंस सर्विसेज, इजी पेपर वर्क और गाड़ी आप। अब आप चलाएं गाड़ी और हम रखेंगे आपकी गाड़ी का खर्च। और इतना ही नहीं, आप इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आपके नजदीकी साहिल होंडा शोरूम सेंटर में। सागर, कुरई, बीना, कड़ाकोटा, बंडा, बांदरी, रहली, और झमर, देवरी, राहतगढ़, शाहगढ़, यानी पूरे मध्य प्रदेश में हम आपकी सेवा में तत्पर, क्योंकि हम हैं साहिल होंडा। साहिल होंडा, भगवानगंज, सागर। सागर श्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अधिकृत एकमात्र हॉस्पिटल। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, जी हाँ, तभी तो पहुँचेगी हर खबर आप तक।